हेलो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहाँ अलीगढ़ में कई सारे कलाकार आए हुए हैं जो कि गणेश जी की अलग अलग तरह की प्रतिमाएं बना रहे हैं। यहाँ पे हर तरह की मूर्तियाँ हैं, छोटी बड़ी, और यहाँ पर मूर्तियाँ अलग अलग तरह की हैं और ये पूरा पंडाल मूर्तियों से ही भर रहा है। तो भैया ये बताइए, ये मूर्तियाँ आप किस चीज़ से बनाते हैं? ये मिट्टी और पीओपी दोनों मिक्सर से बनाते हैं। मिट्टी और पीओपी। अच्छा, आप जो हो कहाँ के, मतलब कहाँ से आए हुए? राजसमंद जिला पड़ता, राजस्थान में है राजसमंद। अच्छा, तो ये एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लग जाता है? टाइम लगाना पड़ता, अलग अलग पेंट भरना, सुखाना पड़ता, दो तीन महीने पहले से काम करना पड़ता है। तो दो तीन महीने पहले से ही काम करना पड़ता है। बाल बच्चे सब रहते हैं परिवार। यहाँ पर हर तरह की मूर्तियाँ हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, सब तरह की है ना। पूरा ये पंडाल भरा हुआ है मूर्तियों से। तो कौन सी मूर्तियाँ ज्यादा बिकती हैं, बड़ी या छोटी? अब देखो, बिकने का तो इंसान के ऊपर है, तो उसका दिल मांगे बड़ी ले जाते हैं, बढ़ा के लेते थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। अब बॉम्बे वाला सभी मूर्तियाँ बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी तरह से क्या कहते हैं कलर हो रखा है। मूर्तियाँ तो सभी मुझे बहुत सुंदर लग रही है। फिर ये जब गणपति विसर्जन हो जाएगा उसके बाद में फिर आप अपने वहाँ चले जाओगे? गाँव जाएंगे, फिर क्या, फिर और कुछ मजदूरी करेंगे। फिर क्या कहते हैं, नवरात्रि आएगी तो तब आप बनाओगे उनके क्या कहते हैं माता की मूर्तियाँ। फिर दिवाली पे वो जो मूर्ति है सफेद रंग की, अभी उनका कलर होना होगा, सूख रही है वो? नहीं, अभी वो बनाया है, इसको कलर करेंगे। कलर करोगे? बोलेंगे भाई ऐसा करना इसी हिसाब से। अच्छा, ठीक।